सेक्रेटरी का डेस्क चेक किया, वहां पे तो मुझे लेटर नहीं मिली, उसे फोन भी किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। अभी कल सुबह ही बात हो पाएगी उससे। नहीं हुआ, उसे घर चलते हैं। अभी कहाँ रहती है वो एड्रेस है? एक काम करता हूँ, मैं HR फाइल देखता हूँ। आदि एड्रेस नोट करो, मेरे साथ चल। तो जी पापा। भाई मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं मीर, बहुत रात होगी, पहले आलिया को वेट ड्रॉप कर दे। अगर ऐसी कोई बात होगी कॉल यू। ठीक है भाई, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। आलिया कम। हादी कहती एड्रेस। मैंने लोकेशन डाल दिया है, बस वो सर्च कर रहे हैं। वो लेटर किसी तरह मिल जाए ना, पता चल जाएगा कि किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था। कहाँ है तू? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? नहीं तो वो डिनर पे नहीं आया ना, इसलिए पूछ रहा। नहीं भाई, आप एक काम कीजिए भाई, आप डिनर कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा या मैं खा के आ जाऊंगा, आप कर लीजिए। मीटिंग में है ना तू? हाँ हाँ, पक्का मीटिंग में हूँ मैं। पापा लोकेशन मिल गया। हाँ, यहाँ से लेफ्ट। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। हम लोग मेरी सेक्रेटरी के घर भी गए थे, मुझे लगा लेटर उसे अपने पास रखा होगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ। मैंने उसके पड़ोसी के पास नोट छोड़े, उसको मैसेज किया लेकिन डिलीवर नहीं हुए, लगता है उसका फोन ऑफ है। अब अनिल नागपाल ने लेटर लिखा है तो हमें मिल जाएगा ना? मे बी वो कहीं मिसप्लेस हो गया हो। अभी इस तरह टेंस्ड होके क्या फायदा है, किसी ने डिनर भी नहीं किया। चलो डिनर कर लेते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हें कुछ पता है। क्या हुआ, चलो ना सब खाना खाते हैं। हाँ मुझे इश्ता से कुछ बात करनी है, हम लोग अभी आते हैं। क्या रोमी किसी लड़की के साथ? रमन ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई फ्रेंड होगी वो, उसे जाना होगा, घर में इतना टेंशन चल रहा है तो उसे झूठ बोल दिया होगा आपसे ऐसे ही। मेरे भाई की फितरत मैं जानता हूँ, एक नंबर का सेल्फिश आदमी है वो, उसके लिए ना वो पहले आता है, बाकी सारी टेंशन बाद में। अगर किसी दोस्त से मिलने जाना था तो बोलने में क्या थी, झूठ क्यों बोला उसने? रमन बस ऐसी तो हम उस पर शक नहीं कर सकते ना, आपको मालूम है वो मीका से कितना प्यार करता है, कितना बदल गया है वो, उसने रूही के केस में कितनी हेल्प की। देख रहा हूं बदलाव, अगर दोस्त थी है ना, नॉर्मल दोस्ती थी तो बोल सकता था दोस्त से मिलने जा रहा है। मन में जब चोर होता है ना तो बंदा बहाने ढूंढता है, झूठ बोलता है, देयर हैज टू बी समथिंग राइट, वरना मीटिंग का बोल के किसी लड़की के साथ क्यों होता वो? यूज योर कॉमन सेंस फॉर वंस यार, मुझे उस पर कोई खास भरोसा नहीं है। मैं बात करूंगी उससे, मैं बात करूंगी। एनीवेज चलो, तुम क्या बताने वाली थी, तुम कह रही थी तुम कुछ बात करनी। मैं अभी रमन को रोमी के बारे में नहीं बता सकती, पहले इन्हें रोमी पे शक हो रखा है। क्या इतना इम्पोर्टेंट था नहीं एक्चुअली, पहले मैं परेशान थी लेकिन सॉर्ट आउट हो गया सब। अच्छा वो नीचे सब खाने के लिए भी वेट कर रहे होंगे, चले आप। यार सेक्रेटरी का फोन अब तक ऑफ आ रहा है, पता नहीं काम। मैंने बात की है, अभिषेक को भी वही मैसेज किया था, उसका कहना है कि वो कर रहा है ट्रेस, देखते हैं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। रूमी आ गया है, पहले मैं इससे बात करती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम क्यों कर रहे हो ये सब मीका के साथ? तुम्हें मालूम है ना उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए, अपना करियर, अपनी फैमिली, एवरीथिंग। जस्ट प्रॉमिस मी तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। क्या हुआ ये सब क्या? तुम्हें नहीं मालूम पर मुझे मालूम है, तुम किसी मीटिंग में नहीं गए थे आज, तुम किसी लड़की से मिलने गए थे। Are you serious भाभी? किसने कहा आपसे ये सब? मैंने।
ओह गॉड भाई, अब आप भी हाँ, आप भी जासूसी कर रहे हो मेरी। यार हो क्या गया आप सब लोगों को, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? यार मेरे भी दोस्त हैं, मेरी बिजनेस मीटिंग से, उन सब का क्या? और वैसे भी मुझे किसी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, दैट्स इट। रोमी कहा था ना तुमसे, रगड़ से वाकिफ हूं इसके मैं। टिया को एश्योरेंस के मीका को हर्ट नहीं करेगा ये? लातों का भूत है, बातों से तो कभी माने नहीं। मारा पीटी से थोड़ी ना मानेगा, हमें वैसे भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो बात और भी। केयरफुल क्या केयरफुल, सर पे बिठा लो अपने केयरफुल। जब तुम्हारी बहन के साथ कुछ होगा ना, तुम जिम्मेदार होगी, मैं नहीं। रहो केयरफुल जिंदगी भर फिर। मार पीट के शता तुम, अरे कहाँ थी तुम कल से? कितने फोन किए, तुम्हें मैसेज किए, मेरा भी बिन। सर मैं कल छुट्टी पे थी, मैंने बताया था ना मैं मेडिटेशन कैंप के लिए जा रही हूँ, बस अभी घर लौटी हूँ और मैंने अभी आपका नोट देखा। वो मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, एक्चुअली वो कैंप में अलाउड नहीं था तो। अच्छा वो सारी बातें जाने तो मुझे बताओ कि मेरे लिए पिछले 2-3 दिन में कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर्स आए थे? सर मेजरली तो सारे बिजनेस लेटर्स मैं आपके कैबिन में या अपने ड्रॉअर में रखती हूँ, मगर कोई नॉन ऑफिशियल लेटर हो या कॉन्फिडेंशियल हो तो मैं आपके घर भेज देती हूँ। आर यू श्योर? हाँ सर, इनफैक्ट मैंने कैंप जाने से पहले ही कुछ लेटर्स आपके घर भेजे हैं। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सर। क्या हुआ, क्या बोल रही है? श्वेता का फोन था, उसने कहा कि नॉर्मली नॉन ऑफिशियल या कॉन्फिडेंशियल लेटर्स वो घर भेज देती है और कैंप जाने से पहले से कुछ लेटर्स घर पे भेजे थे, यानी कि वो लेटर घर आ चुका होगा, कहीं ना कहीं पड़ा होगा। वी नीड टू फाइंड इट, कम ऑन। नीलू, नीलू, मेरे ऑफिस से कुछ चिट्ठियां थी, कोई बॉय आया था कुछ चिट्ठियां लेकर। पता नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं है, शायद आया भी होगा या किसी और के दे गया होगा। अजी बेवकूफ है तू, याद है नहीं है, पाए नहीं आए, इंपॉर्टेंट लेटर्स है वो, काम पे ध्यान दिया करो तुम लोग। क्यों रमन, क्यों इतना शोर मचा रहा है सवेरे सवेरे? अरे सवेरे सवेरे मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको पता नहीं से घर पे आगे कि नहीं आए, कहा किसको याद नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है ये सब? सारों को उठा दिया तूने चीख चीख के। सारों को जगा दिया? यार आप लोग कमाल करते हो, घर संभालना नहीं आता आप लोग को? रमन शांत हो जाइए, नीलू ठीक से याद करने की कोशिश करो ना। ऑफिस से जो भी इनके लेटर्स आते होंगे वो तुम कहाँ रखती हो हमेशा, कुछ तो बताओ। भाभी मैं तो उधर ही रखे हैं सारे लेटर्स, जहाँ पे रखे जाते हैं। अरे जहाँ हमेशा रखती, कहाँ रखती? सर पे रखती मेरे, इधर ट्रे में। अच्छा लेटर उधर रखती है। यार है ही नहीं वो लेटर यार। हाँ तो कहाँ से होगा जब कोई आई नहीं चिट्ठी तेरे ना। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ माँ। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं। चिट्ठी है ही नहीं यहाँ पर, माँ मिली आपको? भैया ये कुछ लेटर मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिए थे, ये लो। शुक्र है फ्रिज के अंदर नहीं रख दिए बेवकूफ। किसी ने लगता है मेरे ऑफिस में फाइल कर दिया वो लेटर। हेलो श्वेता, अभी कभी ऑफिस पहुंचो, इंपॉर्टेंट काम है।